बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं राजा मोहम्मद मुबीन शाहिद, हेड कोच प्रेसिडेंट स्टार इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी रावलपिंडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक मूजी जो है वो वायरस जो है कोरोना वायरस की शक्ल में पूरी दुनिया में जो है वो छाया हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन हो चुकी है। तमाम जो मस्जिद हैं, जो प्ले ग्राउंड हैं, स्कूल्स हैं, दुनिया की जो पूरी जो दुनिया है वो पूरी की पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। सबसे पहले देखा जाए तो बहसीत मुसलमान खाना काबा शरीफ भी देखें, वहाँ पे भी तवाफ नहीं हो रहा, और साथ ही साथ में मस्जिद नबी भी जो है उसको भी बंद कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से इस आजमाइश को, इम्तिहान को और इस वायरस को ख़त्म करें और हमारे मुल्क को और कौम को इससे महफूज रखें और आने वाले दिनों में हमारे हमारे मुल्क को तरक्कियाँ अता फरमाएँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो घरों में बैठे हुए हैं और उनको डेफिनेटली घरों में ही बैठना है। जितना वो घर रहेंगे, जितनी आवाम घर रहेगी, जितने लोग घर रहेंगे वो सेफ रहेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि जो हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में नहीं आ पा रहे हैं डेफिनेटली, तो उनको घर बैठे कुछ ना कुछ जो है आगाही हम देते रहें, कुछ ना कुछ उनसे जो है वो एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, जिसकी वजह से वो घर में अपनी ट्रेनिंग जारी रखें, कुछ ना कुछ वो करते रहें जिसकी वजह से वो गेम से भी दूर ना हों और अपनी जो कुव्वत मुदाफियत है वो भी कम ना कर पाए। तो सबसे पहले आगाज करते हैं ट्रेनिंग से। तो आप ग्राउंड में जो ट्रेनिंग करते थे, आप कोशिश करें कि घर में अगर आपके पास कोई लॉन है, कोई जगह है इस तरह की, तो आप वहाँ जाके अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, पुशअप्स करते रहें, कोशिश करें कार्डियो वगैरह करते रहें। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है, आपके नज़दीक कोई छोटा सा ग्राउंड टाइप है जो खाली है जिसमें लोग नहीं हैं, तो आप हल्की फुल्की जो है वो रनिंग भी करें ताकि जो आपके इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहे, कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बढ़ती रहे। तो आप इस तरह फ्री घर में मत बैठिए और कोशिश करें कि अच्छी ग़ज़ाएँ खाएँ जिससे आपको विटामिन सी खास तौर पर मिल सके, और नमाज पढ़ें 5 वक्त की, वुज़ू करते रहें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें और अपने चेहरे को धोते रहें। जैसा कि हमें इस्लाम ने इतनी प्यारी तालीमात दी हैं, अल्लाह का शुक्र है 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें सफाई के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, अगर हम उन्हीं पर अमल पैरा हो जाएँ तो हमें किसी किस्म का वायरस नहीं लग सकता, ये हमारा ईमान है। तो मैं बात करूँगा कि घर में आप क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास कोई जगह है तो आप पुशअप्स वगैरह करते रहें, आप हल्की फुल्की ट्रेनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको समझ आती है आप करते रहें, और साथ ही साथ बैटिंग में आप कोशिश करें अगर आप एक बॉल हैंग कर लें तो आप उसी पे जो है वो खेलते रहें, फ्रंट फुट बैक फुट की प्रैक्टिस करते रहें और आप टच में रहेंगे। अगर आप बॉलर हैं तो अपनी शेडो प्रैक्टिस जो है वो करते रहें बॉलिंग की, ठीक है, घर में ही जो आपके बॉलिंग के इनिशियल 5 स्टेप्स हैं आप उनको देखते रहें, जिसमें बॉडी गैदरिंग वगैरह के स्टेप्स हैं। तो आप ये सारी चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो क्रिकेट है या जो खेल जो भी आप खेल रहे हैं उसके लिहाज से जो चीज़ें आप करते आए हैं, आपकी बॉडी यूज टू हुई भी है, तो आप घर में फ्री मत बैठें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बैटिंग, बॉलिंग, इनकी जो बेसिक्स हैं, इंशाल्लाह दोबारा से एक नए सिरे से जो है वो अच्छी सी वीडियोज़ बना के, कुछ वीडियोज़ जो पहले मैंने बनाई हैं ऑलरेडी उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करके आपको दोबारा से इन दिनों में, जब तक ये हमारा मुल्क में जो है लॉकडाउन है, तो मैं आपको दोबारा से जो बेसिक्स है हर रोज एक वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो डिलीवर करूंगा। आप देखते रहिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको कोरोना वायरस से महफूज रखे, और जो बीमार है उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।